हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। तो चलिए झटपट से घर के बने मोमोज खाते हैं। साथ में मैं चटनी बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी। और मोमोज बाहर के खाना आप छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर के जो मोमोज हैं वो अच्छे नहीं होते। घर पे बना के खाएं तो वो ज़्यादा अच्छे और हेल्दी होते हैं। तो ये मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसको कट कर लिया है, सारे लेयर्स अच्छे से वॉश कर लिए थे। अब मैं इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला के रख दूँगी साइड में, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। दूसरी तरफ गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए। मोमोज की जो चटनी होती है वो काफी तीखी होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने 8-10 सूखे लाल मिर्च डाले हैं और एक टमाटर डाला है साथ में। इनको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम मोमोज का आटा बना लेते हैं। तो मैदा में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है मोमोज में, सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये आटा मार लूंगी मोमोज का। और आटा भी ये मोमोज का बन के तैयार हो गया है। इसको भी हम ढक के कपड़े से या फिर एक प्लेट से ढक के देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग बना लेंगे मोमोज में भरने वाली। उसके पहले मैं चटनी पीस लूंगी फटाफट से। ये जो मिर्च है इसको हम जार में निकाल लेंगे अच्छे से, और टमाटर का छिलका हटा लेंगे, उसको भी जार में डाल देंगे। ये देखिए पत्ता गोभी जो है इसका सारा पानी निकल गया है अच्छे से। अब हम इसका पानी निकाल देंगे, एक्स्ट्रा जो पानी आ गया है इसमें। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है मैंने पत्ता गोभी का। इसमें साथ में मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन मिला रही हूँ काट के। इनको अच्छे से चॉप कर लिया है मैंने बारीक। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ में कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें जीरा डाला था। और अब ये प्याज भून लेंगे हम इसमें। इसी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और साथ में ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और स्प्रिंग ऑनियन की स्टफिंग डाल देंगे। गाजर मैंने नहीं डाली इसमें, अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सी पिज़्ज़ा सीजनिंग अगर आपके पास हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से मैं मसाले डाल रही हूँ, लाल मिर्च, और इसको अच्छे से पानी सूखने तक भूनना है। हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको हाफ कुक ही करना है, ताकि जो हमारा स्टफिंग है वो अच्छा लगे खाने में। चटनी भी मैंने पीस ली है मोमो की। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल में मैंने थोड़ा सा हींग डाली थी, साथ में अब ये मोमो की चटनी डाल देंगे हम। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चटनी में। अब इसको पानी से धो के अच्छे से और डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा इसमें मैं केचप डालूंगी, टमाटो केचप, ताकि जो हमारा टेस्ट है चटनी का तीखा वाला वो बैलेंस्ड रहे एकदम। तो थोड़ा सा मैंने इसमें केचप डाला है। और चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम मोमो बनाने की तैयारी कर लेते हैं शुरू। तो हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे मैदा के इस तरह से। उसके बाद अब मैं इसको गोल गोल बेल लूंगी। आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें आटा मैदा लगा के फिर इसको बेलें। एकदम आपको चारों तरफ से एक सा बेलना है। तो ये मैंने बेल बेल के रख लिए हैं सारे। एक में पहले आपको भर के दिखा देती हूँ। इस तरह से चम्मच से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरनी है हमें, और जैसे हम गुजिया बनाते हैं गुजिया के शेप में आप मोमोज बना के तैयार कर ले।
इस तरह से आपको सारे मोमोज भर के तैयार करने हैं। बहुत ज़्यादा आप पतले बेल लेंगे तो फिर वो मोमोज जब आप उसको स्टीम देंगे तो वो फट जाएंगे, इसीलिए आपको एकदम एक सा बेलना है इनको। इसी तरह से हम बाकी के सारे बेल के रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बेल बेल के रख लिए हैं। अब मैं इन सबको भर रही हूँ। सब में थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरना है, ओवर भी नहीं भरना है कि एकदम मोमो फट जाए हमारा। इसी तरह से सारे आपको भर भर के रख लेना है। कढ़ाई में मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, और ये हम एक स्टैंड रख देंगे आपके पास हो अगर तो, और इस तरह की जालीदार छलनी अगर आपके पास है तो आप उसको रखिए ताकि आपके ज़्यादा एक साथ ढेर सारे मोमोज बन पाए। तो इसको मैं रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने तेल लगाया है ताकि मोमो उठाते टाइम फट ना जाए, इसीलिए तेल ज़रूर लगाएं आप। इस तरह से सारे मोमो हम इसमें धीरे धीरे करके रख देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। स्टीम हो गए हमारे मोमो और ये फूल जाते हैं जब ये अच्छे से पक जाते हैं। तो अब आप इसको निकाल लीजिए और चटनी के साथ सर्व करिए, मेयो के साथ सर्व करिए।